हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विराज वास्तुला चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के योग। ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे कोई व्यक्ति वो एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में आ सकता है, अच्छे ज्योतिष होते हैं, तो उसके कौन से ऐसे योग होते हैं जिससे वो अच्छा ज्योतिष बन पाता है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट करें विराजवास्तुला.com, यहाँ पर मेरे लाइव प्रेडिक्शन देख सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं, उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, क्योंकि ट्रस्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली अगर आपके पास है तो निकाल लीजिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो astrosec.com, यहाँ पर आकर आपकी कुंडली निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी दो कुंडली ऐसे बनेगी, लग्न चार्ट एंड नौमान चार्ट। लग्न चार्ट यानी उसको D9 कुंडली बोलते हैं। अगर आपकी आपके पास आपकी कुंडली है तो वहाँ पर D9 लिखा है तो आपको वो देखना है, अगर लग्न चार्ट लिखा है तो आपको वो देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली ऐसे ऐसे टाइप की होगी। यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा होगा, आपको वो नंबर है वो कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर किसी को 10 नंबर लिखा हो उसको कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर इसको पहला घर ही हम कहेंगे, हमेशा इसको पहला घर ही कहेंगे, ये पहला घर। उसमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो पहले घर में तुला राशि ऐसा कहा जाता है, तो हमें वो कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ ये घर ही कंसिडर करना है ये चीज़। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, ऐसी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिससे एस्ट्रोलॉजर का फील्ड सिलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 7वां घर है, यहाँ पर अगर चंद्र होगा मून होगा, 7वीं राशि नहीं बोल रहा हूँ, 7वां घर है, 7वें घर में अगर मून है, अब मैं बोल रहा हूँ 7वीं राशि, यहाँ पर जिसकी कुंडली में यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा है और यहाँ पर मून है, तो वो लोग हैं वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ये पहली एक टेक्निक है। उसके बाद 7वें घर में यहाँ पर ये पहला घर है, यहाँ से आपको बीनना है, तो 7वें घर में अगर सूर्य एंड बुध सन एंड मर्क्यूरी साथ में है तो भी ये व्यक्ति है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। उसके बाद अगर सेकंड हाउस में यहाँ पर जुपिटर है गुरु ग्रह तो भी ये व्यक्ति है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। उसके बाद अगर 7वें घर में सूर्य के साथ जुपिटर है, ये दोनों यहाँ पर साथ में है तो भी ये व्यक्ति है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज वो व्यक्ति को होगी। उसके बाद अगर 7वें घर में मार्स एंड वीनस साथ में है तो भी ये व्यक्ति है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर ये व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजी वो व्यक्ति जानता होगा। उसके बाद अगर 8वें घर में यहां पर राहु होगा या तो शनि होगा तो भी ये व्यक्ति है उसको एस्ट्रोलॉजी है वो आ जाएगी, अदरवाइज जुपिटर भी हो तो भी ये व्यक्ति है उसको एस्ट्रोलॉजी है वो आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, मैंने यहां पर थोड़े योग के ऊपर बताया है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग लग रहे हैं, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स आपकी कुंडली में अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे चार्ट में ऐसे योग बन रहे हैं और मैं एस्ट्रोलॉजर रिलेटेड चीज़ में जानता हूँ या मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।